तो फाइनली आप सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स का फिर से एक इन्फॉर्मेटिव और बिल्कुल नए वीडियो पर मैं स्वागत करता हूँ। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो है आंगनवाड़ी सेविकाओं की छठ पूजा में ड्यूटी के संबंध में निकल के सामने आ रही है, जिसके बारे में मैं आपको एक जिले के लेटर के माध्यम से लिस्ट दिखाऊंगा कि आंगनवाड़ी सेविका, महिला पर्यवेक्षिका, प्रखंड समन्वयक सभी लोगों को जो है यहाँ पर मधेपुरा जिले में जो है एक विशेष तिथि को जो है प्रमुख योजनाओं के प्रचार प्रसार करने के लिए उनकी ड्यूटी वहां पर लगाई गई है। हालांकि ड्यूटी कुछ घंटों के लिए है, यहां पर 6-7 लोगों की जो ड्यूटी आंगनबाड़ी के संबंध में जो वहां पर छठ घाट पर दी गई है, इसके बारे में डिटेल में आपको जानकारी देखने को मिलेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस ड्यूटी में कहीं भी हिंदू जो भी कर्मचारी है या सेविका सहायिका है उनकी ड्यूटी नहीं दी गई, क्योंकि हिंदुओं का महापर्व छठ पर्व कहा जाता है, तो इसको लेकर थोड़ी सी राहत दिखाई दे रही है। लेकिन अन्य मुस्लिम समुदाय की महिलाओं को जो सेविका है या फिर जो भी प्रखंड समन्वयक है, कर्मचारी है, उनकी ड्यूटी जो है इस उम्मीद से मधेपुरा जिले में छठ घाट पर दी गई है ताकि वो योजनाओं का प्रचार प्रसार कर पाएंगे और लोगों को इसके संबंध में जागरूकता दे पाएंगे। चलिए इसके संबंध में लेटर है, हम आगे आपको दिखा देते हैं। तो बिहार की जितनी भी सेविका सहायिका इस वीडियो को देख रही है, बहुत ही ध्यान से इस पूरे वीडियो को देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि किस प्रकार के कर्मचारियों को जो है यहाँ पर ड्यूटी दी गई है छठ घाट पर और कहाँ की खबर है, पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। देखिए, समाहरणालय मधेपुरा यानी मधेपुरा जिले के लिए खबर है, अन्य जिलों की ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिल पा रही है, लेकिन मधेपुरा जिले में जो है यहाँ पर आंगनवाड़ी वर्कर्स कर्मचारियों को इसके संबंध में ड्यूटी दी गई है। देखिए, आदेश निर्गत किया गया है और पूरी खबर को, पूरे लेटर को ध्यान समझिएगा। लिखा गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत लिंगानुपात कम करने, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने, बाल विवाह को रोकने एवं समाज में बेटी के महत्व तथा उनके अच्छे भविष्य के निर्माण करने के संबंधित प्रचार प्रसार के लिए। देखिए, आंगनवाड़ी की योजनाएं जो है इन सारे चीज़ों से संबंधित होती है, लिंगानुपात जो है वो सही करने के लिए, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए, बाल विवाह रोकने के लिए, समाज में बेटी के महत्व तथा उनका भविष्य निर्माण के संबंध में जो भी योजनाएँ इस प्रकार चलती है, सेविकाओं को कई बार इसके बारे में बताया जाता है। तो इसके लिए प्रचार प्रसार के लिए जो है यहाँ पर जिला में आयोजित होने वाले छठ पूजा के अवसर पर छठ घाट पर प्रचार प्रसार किया जाना है। इसी क्रम में मधेपुरा प्रखंड के भीरखी गुमती पुल के पास बने छठ घाट में योजना का प्रसार प्रसार हेतु स्टॉल लगाया जाना है। देखिए, किस तरह से स्टॉल लगा जाए, लगा करके सेविका सहायिका और जिन लोगों की भी ड्यूटी यहाँ प्रखंड समन्वयक वगैरह की ड्यूटी दी गई है, यहाँ तक कि LS यानी महिला पर्यवेक्षिकाओं की भी ड्यूटी इसमें दी गई है, उनका नाम भी दिया गया है, तो इसके बारे में यहाँ पर इनकी प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। पूरी जानकारी हम आपको यहाँ पर देंगे, नीचे आते हैं, लेकिन मैं आपको फिर से बता दूँ, अभी जो आप ड्यूटी के संबंध में ये जो खबर देख पा रहे हैं ये मधेपुरा ज़िले के लिए है। इसके पहले भी आपने दुर्गा पूजा के अवसर पर 2-3 जिलों के बारे में देखा था कि वहाँ भी दुर्गा पूजा के अवसर पर जो है पूजा पंडालों के आसपास सेविकाओं सहायिकाओं को ड्यूटी दी गई थी, लेकिन इस बार जो है कुछ ही सेविकाओं को और प्रखंड समन्वयक LS की ड्यूटी जो है वो छठ घाट पर दी गई है। तो मधेपुरा ज़िले में देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, लगभग यहाँ पर टोटल जो है इस ज़िले के लिए 8 जो है कर्मचारियों को नियुक्त की गई, इसमें सेविका भी है। देखिए, यहाँ पर सभी सेविका लोग, इनका केंद्र संख्या भी है। इसके अलावा सेविकाओं के साथ साथ जो है महिला पर्यवेक्षिकाओं, 2 महिला पर्यवेक्षिका, 2 प्रखंड समन्वयक को भी इसमें नियुक्त किया गया है। लेकिन एक बात यहाँ पर आप नोट करेंगे, इनमें से जिनका भी नाम कर्मचारियों का चाहे सेविकाओं का या LS का आप देखेंगे, सभी के सब लिंग जो है मुस्लिम समुदाय से आपको दिखाई दे रही हैं। कहने का मतलब यह है कि मुस्लिम समुदाय जो है वो छठ पर्व नहीं मनाता, इसको लेकर इनकी नियुक्ति यहाँ पर प्रतिनियुक्ति की गई ताकि ये लोग इन योजनाओं का और सरकार के उद्देश्यों का प्रचार प्रसार करेंगे। और इसको लेकर यहाँ पर देखिए, सबका मोबाइल नंबर मैंने हाइड कर दिया है प्राइवेसी इशू चलते, ताकि इनको कोई दिक्कत नहीं हो। और नाम आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर, 4-4 सेविकाओं को कोड संख्या के साथ साथ जो है ये लिस्ट में नाम दिया गया है और इनकी जो प्रतिनियुक्ति है वो यहाँ पर की गई है। और कहाँ पर इनको जो स्टॉल लगाकर काम करना होगा, कब से कब तक करना होगा, तो देखिए, मधेपुरा ज़िला में जो है एक छठ घाट बनता है जिसका नाम है भीरखी गुमती पुल के पास, यहाँ पर स्टॉल बनाकर के जो है मधेपुरा सहरसा मार्ग में पड़ता है। 7 नवंबर को शाम के 3 बजे से लेकर जब तक पूजा समाप्त नहीं होती तब तक उनको यहाँ पर इन 8 लोगों को ये रहना होगा। तो ये जिला से लेटर जारी हुआ है। एक बात यहाँ पर है कि यहाँ पर हिंदू समुदाय की वर्कर्स को या कोई भी कर्मचारी को ड्यूटी नहीं दी गई, क्योंकि सबके यहाँ लगभग छठ का पर्व मनाया जाता है। जैसे कि मुस्लिम समुदाय में जो ईद का पर्व महापर्व मनाया जाता है, वैसे ही छठ का पर्व यहाँ पर हिंदुओं के लिए महापर्व है। नीचे यहाँ पर आएंगे, लिखा गया है कि उक्त कर्मियों को आदेश दिया जाता है कि निर्धारित तिथि एवं स्थान पर ससमय उपस्थित होकर इन योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे और स्टॉल लगाना सुनिश्चित करेंगे, इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाए। लिखा गया, इस कार्य में अगर लापरवाही बरती जाएगी तो इनके ऊपर कार्रवाई भी की जा सकती है। अब देखिए, इस लेटर को जो है CDPO, DPO, इसके अलावा जिलाधिकारी और मंडलाधिकारी सभी लोगों को ये
प्रसारित किया गया है। यहाँ पर नोडल पदाधिकारी, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी DPO और 2 नवंबर का डेट देखने को मिल जा रहा है। तो देख पा रहे हैं यहाँ पर किस प्रकार का काम मधेपुरा जिला में सौंपा गया है। उम्मीद करूंगा कि आप लोग अपना छठ पर्व ठीक से मना रहे होंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।